आज अपने बातचीत ही करनी है पूरे एग्ज़ाम के बारे में। तो सबसे पहले तो जो अपना एग्ज़ाम है उसका क्या पैटर्न रहता है वो डिस्कस करते हैं। पहले एग्ज़ाम का पैटर्न को डिस्कस करेंगे, फिर जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो उसमें कवर करनी चाहिए वो डिस्कस करेंगे, और फिर पूरे एग्ज़ाम की जर्नी में कैसे खुद को मोटिवेटेड रहना है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस करना है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, फेयर इनफ। हेलो अभिषेक, क्या हालचाल? तो फिर करते हैं आज का डिस्कशन स्टार्ट। सबसे पहले तो आप, अगर आपको ये सब जानकारी हासिल करनी है तो आप HRD की वेबसाइट पे जा सकते हैं। आप लिखो CSIRHRDG.RES.IN तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मालूम है आपको CSIR वही है जो अपने एग्जाम्स ऑर्गेनाइज कराते हैं। तो CSIR UGC नेट की वेबसाइट खुल जाएगी। मैथमेटिकल साइंसेज अपना सब्जेक्ट है तो मैथ्स वालों को मैथमेटिकल साइंसेज ऑप्ट करना है। ठीक है, अपना 3 घंटे का पेपर होता है और एग्ज़ाम स्कीम कुछ इस तरीके से रहती है। मैक्सिमम मार्क्स 200 होते हैं, तो 200 में से अपने नंबर आने वाले हैं। 3 सेक्शंस में अपना पेपर डिवाइडेड होता है। सो आर पेपर शैल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब जो ये एग्ज़ाम है वो 2 चीज़ें करता है, एक तो लेक्चरारशिप की एलिजिबिलिटी में हमें हेल्प करता है, और दूसरा हमें JRF मिलती है यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है जो कि फर्दर हमें PhD परस्यू करने में हेल्प करती है। ठीक है, 3 सेक्शंस हैं। ए सेक्शन होता है वो बेसिक सेक्शंस होता है, उसमें क्या होता है रीजनिंग के, एनालिसिस के, एप्टीट्यूड के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। जनरल साइंस होती है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग होती है, एनालिसिस, रिसर्च, एप्टीट्यूड, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, उसमें द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू आंसर एनी 15 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने क्वेश्चन हैं इसमें? 20 क्वेश्चन हैं। 20 में से कोई भी 15 आप आंसर करने होंगे आपको, यानी कि कितने आपके इसमें नंबर बन जाएंगे, जो सारे ईच क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होगा, 15 क्वेश्चन आप आंसर करोगे तो 2 × 15 30 नंबर आपके सेक्शन से बन जाएंगे अगर आप सारे क्वेश्चन सही तरीके से आंसर करते हो। ठीक है, अब पार्ट बी पे। पार्ट सेक्शन जो ये होता है, ये 30 नंबर आप बहुत आसानी से फ्री में स्कोर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ईजी होते हैं, ईजी क्वेश्चन होते हैं, थोड़ी सी प्रिपरेशन भी कर लो तो 30 पक्का ही आ जाएंगे। रीजनिंग के थोड़े क्वेश्चन वगैरह की प्रैक्टिस कर लो, अदरवाइज भी मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें स्कोर कर लेते हैं। पार्ट बी पे चलते हैं। अब पार्ट बी और पार्ट सी जो है वो कोर मैथमेटिक्स के जो हैं उस टॉपिक इसमें आते हैं। पार्ट बी में 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सिंगल सिलेक्ट, जनरली कवरिंग द टॉपिक्स गिवन इन द सिलेबस। इसमें से हमें 25 अटैम्प्ट करने होंगे, 40 में से 25 करने हैं। 15 क्वेश्चन हम चॉइस की तरह छोड़ सकते हैं तो अच्छी बात है, काफ़ी चॉइस इसमें अवेलेबल होती है। ईच क्वेश्चन शैल बी ऑफ 3 मार्क्स, 25 करने हैं 3 मार्क्स के सारे, तो 75 नंबर आपको मिल जाएंगे अगर आप सारे सही अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, सो द टोटल मार्क्स रिकॉर्डेड इन दिस सेक्शन विल बी 75। ऐसे ही पार्ट सी होता है अपना। दिस पार्ट सी शैल कंटेन 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन होंगे। इसमें से बस 20 ही क्वेश्चन आंसर करने होते हैं और हर क्वेश्चन 4.75 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो और इसमें मल्टीपल सिलेक्ट होता है, यानी कि द क्वेश्चन इन दिस पार्ट शैल हैव मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस, एक से ज़्यादा आंसर सही हो सकता है, और सिर्फ अगर आप सारे सही अटेम्प्ट करते हो तभी आंसर मिलेगा, पार्शियल मार्किंग नहीं होती है। ऑल द करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, क्रेडिट इन अ क्वेश्चन शैल बी गिवन ओनली इफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल द करेक्ट ऑप्शंस इज डन। ठीक है, पार्शियल क्रेडिट अलाउड नहीं है इस एग्जाम में, बाकी कुछ एग्जाम्स में मिलता है जैसे कि ISI के एग्जाम में, पर अपने नेट के एग्जाम में नहीं मिलता है, तो ये बात याद रखना। द टोटल मार्क्स इन दिस सेक्शन विल बी 20 क्वेश्चन करने हैं, 60 में से, तो ज़्यादा ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा। इसमें 40 क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो, तो बहुत ज़्यादा चॉइस मिल जाती है। आप कुछ सब्जेक्ट्स छोड़ के जा सकते हो और बाकी के पढ़ सकते हो ज़्यादा ध्यान से, है ना। और 4.75 मार्क्स का हर क्वेश्चन है, तो 95 मार्क्स आपके बन जाएंगे, तो 75, 95, और पहले थे अपने 30 नंबर, ऐसे टोटल मिला के 200 नंबर हो जाएंगे। तो सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी इस तरीके से कवर करते हैं।